मैं आपको दिखाने वाला हूं आपकी फसलों की निराई गुड़ाई के लिए क्वालिटी वाले पावर वीडर। दोस्तों आपने पहले भी पावर वीडर देखे होंगे, बैक रोटरियां देखी होंगी, तो आज मैं आपको बिल्कुल ही अलग यूनिक पावर वीडर बैक रोटर बनाऊंगा। तो पूरी जानकारी हम शर्मा जी से लेते हैं। शर्मा जी, जैसे कि हम आपकी ये बैक रोटरी देख रहे हैं जी, थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालिए और उससे क्या अलग है आपका इसमें जो है। सर हमारे पास आप जितने भी पावर वीडर देख रहे हैं जी, ये सारे आप देखिए एक क्वालिटी वाले प्रोडक्ट जी, जो आपको इनमें फैसिलिटी है वो कोई पावर वीडर में नहीं मिलती जी। सबसे पहले मैं इनकी बात बता दूं, हमारे पास जितने भी ये पावर वीडर हैं जी, वो एक तो अलग अलग ओरिजिन से हैं। जैसे मैं इसकी बात करूँ, ये मेड इन जर्मन है। अच्छा, ये वाला? हाँ जी जी। इसका इंजन जो है वो US का है, बोलर का इंजन है जी, जो वर्ल्ड का बेस्ट इंजनों में आता है जी, वो इसमें इंजन है जी। इसमें इतनी छोटी भी वो दे रखी है कि आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए जी, ये आप गर्मी और ठंडी में अलग अलग करके इसको जी स्टार्ट करने के लिए, गर्मी में अलग तरीके और सर्दी में अलग अलग तरीके। ये तो जी अलग ही देखा मैंने टेक्नोलॉजी जी। तो उसी तरह इसमें जैसे इंजन की क्वालिटी है जी, इसका आप देखिए आगे वेट दे रखा है जी। वेट देने का क्या कारण रहा आगे इतना? कि वाइब्रेशन है और इंजन की बैलेंसिंग है। ये अच्छा। देखिए आप इसको एक हाथ से आराम से ऐसे उठा सकते हैं, बिल्कुल जी। ये बैलेंसिंग है इसकी जी, बैलेंसिंग के लिए दिया गया है। अच्छा, ये बैक जी, ये बैक रोटरी जो है हमारी किन किन फसलों में काम आएगी? सर ये सबसे अच्छी जो काम आती है वो गन्ना और कपास में काम आती है। अच्छा, जितनी भी अपनी वेजिटेबल फसलें हैं जो 18 इंच से ज्यादा छोड़ के चलते हैं उसमें काम आती है जी। ये जुताई से ज्यादा आपकी जो पेड़ों की बीच की गुड़ाई करते हैं उसमें काम आती है जी। तो जितने भी गुड़ाई के काम है और अपने जो चाहे लेबर कैसे भी हो या कोई चलाने वाला छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, सबके लिए बहुत ही बेस्ट और क्वालिटी वाली चीज जी। अब इसका जो है हैंडल बिल्कुल अलग यूनिक दिया गया है जी, मैंने नहीं देखा जी पहले ये, और बहुत ही सिस्टम अलग है इसका, कुछ क्या है इसमें? सर देखिए ये आपकी ऐसे करके ये क्लच है, उसके बाद ये रेस है। अच्छा, और ये आपका गियर है। अच्छा, तो ये इसलिए डिफरेंट दिया गया है, जैसे वो लोग जर्मन के लोग क्या करते हैं कि आदमी की सेफ्टी पहले देखते हैं। अच्छा, जैसे आपने ये छोड़ दी या आप कहीं जा रहे हो या एकदम से कोई काम आ रहा है तो मशीन वहीं रुक जाएगी। अच्छा, मशीन खड़ी हो जाएगी। जैसे कोई पहाड़ी एरिया पे रहने वाला है तो उसके लिए तो बहुत ही वरदान है, क्योंकि कभी कोई दुर्घटना भी हो जाती है या वैसे भी आपको थोड़ी देर रेस्ट करना है तो आप इसको आराम से इसमें छोड़ के रेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं सर इसकी ब्लेड की क्वालिटी के बारे में जी। ब्लेड की क्वालिटी के बारे में बताइए क्या है इसका कुछ? सर ब्लेड की क्वालिटी इसकी कार्बन चार्ज ब्लेड होती है जी, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। ये देखिए ये कार्बन चार्ज ब्लेड होती है जी। दूसरा इसकी जो बेस्ट क्वालिटी है जी वो ये है कि ये रिवर्स भी चलती है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज जी। आपके टायर आपके क्लॉकवाइज चलेंगे और इसकी रोटरी एंटी क्लॉक, जिससे आपकी मिट्टी की गुड़ाई एकदम बेस्ट तरीके से कर देता है। अच्छा, अब ये सिस्टम जो यहाँ दिया गया है सर, ये बहुत ही शानदार दिया गया बिल्कुल, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। इसमें फैन बेल्ट लगा रहता है। अच्छा, इंजन टू गियर बॉक्स। अच्छा, गियर बॉक्स बहुत हैवी गियर बॉक्स होता है जो सालों साल आपका चलता है। अच्छा, तो इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है जी। दूसरा मैं अलग पावर वीडर के बारे में बताना चाहूंगा जी। ये हमारा 5 HP का पावर वीडर है जी, जो आपको दिख रहा है जी, बहुत ही क्वालिटी वाले पावर वीडर है जी। ये टेक्सास का डेनमार्क ब्रांड है जी, और आप इसमें देखोगे हैंडल, इसकी क्वालिटी, इसके गियर बॉक्स वो बहुत ही हैवी उससे बन रही है। कितने HP में जी? ये सर 5 HP। सर 5 HP का ऐसा लग रहा है कि 7.5 HP का हो ये। इतना मतलब भारी और बढ़िया तो अच्छा दिया गया ये क्वालिटी वाला। इसकी रोटरी की 3 फीट चौड़ी होती है। अच्छा, इसमें आप 2 फीट भी कर सकते हो और 18 इंच भी कर सकते हो जी। अब सर जैसे कि बात करते हैं इसका, ये डिजाइन का अगला जो है बहुत शानदार दिया गया है, तो इसमें ये पेट्रोल से डीजल से है? ये पेट्रोल से। अच्छा, पेट्रोल से है। और ब्लेड की क्वालिटी के बारे में थोड़ा बताइए इसकी जो ब्लेड की। सर रोटरी की चौड़ाई रोटरी होती है, इसमें आप पीछे हल भी लगा सकते हो, इसमें डिगिंग टाइम रोटरी भी लगा सकते हो, इसका हैंडल भी एडजस्टेबल हैंडल होता है। अच्छा, जो आप एक दूसरे मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे मूव कर सकते हो, मतलब चारों तरफ से मूव कर सकते हैं। इसका गियर बॉक्स है वो भी अच्छा कास्टेड होता है। इसका
पेट्रोल का जो टैंक होता है जी, ये 3 लीटर का होता है जी, ये देखिए जी, स्टार्टिंग इसकी बहुत स्मूथ होती है जी, और ये इंजन 7 HP के बराबर का इंजन है हमारा, 5 HP। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो सर जैसे कि इसकी ये तो क्वालिटी बहुत बढ़िया होगी, आगे मैं आपको ये देख पा रहा हूँ इसके बारे में। अगला मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है आपका 9 HP का। अच्छा, ये डीजल मोटर है। अच्छा, ये बहुत ही हैवी मशीन है, जिस किसान भाई के 10 एकड़ से ज्यादा जमीन हम उसको ये रिकमेंडेड करते हैं, या 5 एकड़ से ज्यादा का बड़ा बगीचा है उसको हम ये रिकमेंडेड करते हैं। अच्छा, हम किसानों को दोबारा कहना चाहेंगे कि जो भी किसान भाई पावर वीडर खरीदना चाहे जी, वो अपनी आवश्यकता अनुसार चीज खरीदे, और उससे पहले है कि ट्रेनिंग दे। अच्छा, उसको अच्छे से चलाना सीख जी। अगर किसान भाई इसकी परफॉर्मेंस, इसको चलाना, इसको रख रखाव उसको समझ में आ गया, तो उस किसान भाई को घर में ट्रैक्टर रखने की और खेत में ट्रैक्टर मारने की जरूरत नहीं है, जो खुद से काम करना चाहे जी। बहुत बेहतरीन क्वालिटी के पावर मीटर है, ये आप देख पा रहे होंगे 12 HP के बराबर का इंजन है जी। हमारा 9 HP का डीजल का इंजन है जी। इसका 5 लीटर का टैंक आता है जी। ये 4 फीट चौड़ाई लेके चलता है। अच्छा, 4 फीट की चौड़ाई। हाँ जी जी। इसमें बैटरी ने इंक्रीमेंट दे रखा है जी, डीजल का तो ट्रैक्टर जैसा, आज ही बड़ा ट्रैक्टर जैसा होता है। और सबसे अच्छी खासियत ये है, ये सेल्फ स्टार्ट मॉडल होता है। अच्छा, ये सेल्फ से स्टार्ट होता है जी, इस पे बैटरी लग जाती है जी। दूसरा, जितने भी पावर मीटर है हमारे, उसमें जो बेहतरीन क्वालिटी की चीज है वो ये है कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग ही आपको इसके साथ में स्प्रे पंप लगा सकते हैं जी। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग ही आप वाटर पंप लगा सकते हैं जी। तो ये चीजें भी इसके साथ में बहुत बेहतरीन चलती हैं जी, और कभी भी मतलब खराब होने वाली नहीं होती, अच्छी क्वालिटी की चीजें होती है। अब जैसे सर आपका ये अगला वाला देख पा रहा है, बहुत ही शानदार लग रहा है जी, इसके बारे में थोड़ा सा किसान भाई बताइए। और इससे पहले मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगा आपसे, आपने कहा कि ये पावर वीडर बढ़िया है, अच्छे लग रहे हैं किसान भाई को, ये बताइए किसान भाई जो ये तेल का औसत लेता है डीजल पेट्रोल का, उसे कैसे मतलब मेंटेन कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से मतलब इसमें कैसे काम कर सकते हैं जी। उसके लिए सब देखो, जितने भी किसान भाई वो भ्रमित न हो, लोग बोल देते हैं पावर वीडर की लगभग एवरेज 650 ग्राम से 1 लीटर तक आती है। अच्छा, वो अगर आपकी जमीन जी स्मूथ है जी, और अच्छा पावर वीडर चल रहा है, उसके लिए आप 1-2 दिन पहले खेत में पानी दे दे, उसके बाद आप जुताई करें, वो बहुत बढ़िया आपकी जुताई होगी, आपकी एवरेज बढ़िया देगा जी, और पावर वीडर आपका अच्छा चलेगा। अच्छा, जिससे आपको वाइब्रेशन भी चलेगा। अच्छा, गियरों का और RPM का किसान को क्या रखरखाव रखना चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए। सर, अगर जमीन आपकी हार्ड है तो उसमें आप फर्स्ट गियर में धीरे धीरे आराम से जोतिए, अगर जमीन आपकी सॉफ्ट है तो आप स्पीड से उसको जोत सकते हैं। अच्छा, इसमें RPM अच्छे होते हैं, पावर वीडर क्वालिटी वाले होते हैं, हमारे हाई टेस्टिंग लेवल पे टेस्ट होके पावर वीडर हम कंपनी निकालती है जी। और ये कंपनी पहले 25-30 साल से पावर वीडर बनाती है, सबसे पहले पावर वीडर बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अनुभवी पावर वीडर में ज्यादा होगा कंपनी को। और कंपनी का मेन जो मोटिव है वो पावर वीडर बनाने का ही है जी, जिससे अच्छी से अच्छी क्वालिटी दे सके। ये वाला आप मॉडल देख रहे हो, ये दुनिया का बेहतरीन मॉडल है। अच्छा, जो हमारे इंडिया में जितने पावर वीडर है जी, या जितने भी कंपनियों के पावर वीडर है, उनमें अच्छे टक्कर का पावर वीडर है। बिल्कुल, दीदी 832 बेस्ट क्वालिटी वाला मॉडल। कितने गियरों में है सर ये? ये इसमें भी 3 ही गियर होते हैं, एक फास्ट, एक न्यूट्रल, एक स्लो। अच्छा, हमें वाटर पंप का सिस्टम बिल्कुल ये अलग दे रखा है सर जी। सभी पावर मीटर में आप वाटर पंप जी और स्प्रे पंप ये बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हो जी, बहुत ही आसानी से आप इसे हटा सकते हो, पर लगा रहना चाहते हैं तो लगा भी रहे, इनके पाइप हो तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर जैसे कि ये बहुत ही शानदार आपके पावर वीडर हैं जी, तो किसान भाई ये बताइए ये कितने एचपी का था आपने बताया? ये 7 HP का पेट्रोल मॉडल है। अच्छा, बेहतरीन मॉडल है जी। इसकी खासियत ये है कि जितने भी आपने पावर वीडर देखे होंगे उसमें 1.25 लीटर का गियर हेड होता है जी जी, इस पावर वीडर का 2.5 लीटर का गियर हेड है। अच्छा जी जी, जिससे आपके 12 HP के पावर वीडर में टक्कर का पावर बिल्कुल मतलब की क्वालिटी, ये 12 HP को टक्कर देगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं सर इसके बारे में, बताइए। ये आपका सर 5 HP का डीजल मॉडल है। अच्छा, जैसे हमने 5 HP का पेट्रोल देखा था जी जी जी, अब ये डीजल में आ गया, डीजल मॉडल जी।
ये भी क्वालिटी बहुत बेटर है जी, और आप इसलिए भी अच्छे तरह से जुताई कर सकते हो, अच्छे से इसको चला सकते हो। इसके साथ में भी हम 3 फीट की रोटरी देते हैं जी, डिगिंग टाइम देते हैं जी, तो वो अलग अलग आप इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे सेट कर सकते हो जी, और गेयर लगा सकते हो। सर मैं एक पावर एडर पे आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। जैसे कि मान के चलो मेरे पास तो 4-5 बीघे जमीन है, मैं अपना ही काम करता हूँ, मैं बिजनेस नहीं करता, तो मेरे लिए डीजल वाला पावर एडर सही रहेगा या पेट्रोल वाला, और जो बिजनेस करता है उसके लिए कौन सा सही रहेगा? अपना काम करने वाला तो कुछ समय बाद बंद कर देता है, जो है डीजल वाला होगा तो उसकी मुझे लग रहा है घाटे में रहेगा। सभी किसान भाइयों को अच्छे से बता देना चाहता हूं जी, जो किसान भाई अगर डेली यूज करना है अच्छा, वो डीजल मोटर ले, क्योंकि उससे उसकी रख रखाव खपत वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। अच्छा, पेट्रोल की मशीन में हमेशा रख रखाव मेंटेनेंस कम होती है। अच्छा, बट वो जब होती है जब आप कभी कभी यूज करो, अगर आपको डेली यूज करना है, जैसे हम अगर बात करें देखिए रोड पे डेली बस और ट्रक चलते हैं, वो हमेशा डीजल की होती है, डीजल के होते हैं, और जो कार होती है वो पेट्रोल की होती है, क्योंकि वो कभी कभी चलती है। तो जिसको अगर ज्यादा एकड़ में करना है वो डीजल का मॉडल ले, बट पेट्रोल की मेंटेनेंस कम होती है। अगर कोई गुड़ाई करता है, निराई करता है, उसके लिए पेट्रोल की बेस्ट होती है। मतलब कि बिजनेस के पर्पस से जो ले आदमी तो डीजल वाला ले, पेट्रोल वाला अपने लिए ले, तो कभी कभी काम करे रख दे, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। किसान क्या करते हैं सर, जो है डीजल वाला ले लेते हैं, कभी कभी काम कर बाद में कहते हैं चलता नहीं है। चलता नहीं, वही रीजन होता है कि अगर आप 1 महीने या 15 दिन में स्टार्ट करोगे डीजल की मशीन नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर पावर वीटर के ये पावर वीटर कौन रह गया है? ये 7 HP का ही सेम पावर वीटर है जी, जिसमें हमने इसमें पावर वीटर का ये दिखाया गया है, इसमें टायर जब भी आप लगाओ एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करो तो ऐसे आप इसमें रोटरी लगा के ले जा सकते हो। अच्छा, इसके पीछे आप ये हल भी लगा सकते हो, ये प्लाव भी लगा सकते हो, ये रीजर भी लगा सकते हो, ये तीनों चीज भी इसके पीछे अटैच हो जाती है। और इसके साथ में और भी अटैचमेंट हम लगाना चाहें, कौन कौन से अटैचमेंट? इसके साथ में सर और जैसे आप अल्टरनेटर लगाना चाहो बिजली का। अच्छा, अल्टरनेटर लग जाएगा, अल्टरनेटर बिजली बना सकते हैं इससे पावर मीटर से? 1 HP का अल्टरनेटर आराम से चलता है इसके साथ। अच्छा, और अगर आप क्या नाम है कल्टीवेटर लगाना चाहो या आप मैच लगाना चाहो, ये सब चीजें इसके साथ में लग जाती हैं। और सबसे बेहतरीन चीज जो है हमारा क्या बोलते हैं बीज बोने की मशीन प्रोसेड जी, वो भी इसके साथ में लग जाती है। अच्छा, बीज बोने वाली मशीन भी लग जाती है। तो किसान भाई हम आपको जो है इसका डेमो भी दिखाएंगे, जो बीज की मशीन है उसके बुवाई के साथ में जी। तो अब हम बात करते हैं मेरे किसान भाइयों को पावर वीडर की, ये सीरीज काफी पसंद आ रही है, किसान भाई लेना चाहता है, इनका प्राइस क्या है? सर जो भी किसान भाई लेना चाहे मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे शोरूम पे आए जी, विजिट करें और उसको अच्छे से देखे जी, यहाँ पे हम चला के दिखाएंगे और फिर अपना ले सकता है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 5 HP का पेट्रोल जो मॉडल है जी, ये हमारा 64,000 का। अच्छा, 64,000 जी रोटरी के साथ? हाँ जी। अच्छा, अगला जो है ये डीजल का है जी, ये आपका 54,000 रुपये का। अच्छा, अगला जो मॉडल है जी ये 7 HP का सेम मॉडल है जी, ये 2 HP का है, ये 90,000 रुपए का। अच्छा, ये सेल्फ स्टार्ट है जी, विदाउट सेल्फ आपका 80,000 रुपए का। अच्छा अच्छा, ये 5 HP का है पेट्रोल मॉडल, ये 50,000 का है। अच्छा, ये 7 HP का है जो आपका मेड इन जर्मन है, ये 90,000 रुपए का। गन्ना किसानों के लिए स्पेशल स्पेशल जी। अगला जो है ये छोटा मिनी पावर वीटर है जी, जो आप स्थिर कंपनी का है जी, देख रहे होंगे बहुत ही बेहतरीन है ये भी, छोटी यहाँ से डिजाइन बिल्कुल अलग है जी, बिल्कुल सब्जी में निराई गुड़ाई करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा, ये आपका 22,000 का है प्राइस। अच्छा, अब किसान भाई सर आना नहीं चाहता, लेना चाहता है ऑनलाइन, तो बुकिंग अमाउंट क्या देना होगा और कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा? सर हमारा हर जगह पावर वीटर जाता है जी, आप जहाँ पे भी बैठे ऑर्डर करेंगे ये सभी आप ले सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, उस पर आप फोन करके व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं जी। 5 से 10,000 रुपये आपको डालने पड़ेंगे एडवांस, बाकी आप डिलीवरी पे दे सकते हो जी। और हमारा धंधा जाएगा आपको समझाने, आपको अच्छे से ट्रेनिंग कराने, और वो आपको पूरी
फिट करके ट्रेनिंग करवा के फिर आएगा। सर आपकी बात में रोकना चाहूंगा, आपने बोला कि बंदा घर जाएगा चलाने के लिए, हमारा कोई कंपनी नहीं भेजती सर, आप दावा कर रहे हो। बट इस कंपनी का बंदा जाता है और हम वहाँ पे जाके उसको ट्रेनिंग करवा जाते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे देश में जो प्रॉब्लम है किसानों की, वो एक ही प्रॉब्लम है कि उनको मशीन चलानी नहीं आती और मशीन को ही खराब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो किसान के मन में जो भी शंका हो वो क्या तो हमारे पास आए, हम उसको यहाँ पे समझाएंगे, या वो उसके घर पे जब मशीन मंगाए तो उसको अच्छे से पहले कॉन्फिगर करें, सीखे, सर्विस करनी सीखे, सारी चीज़ों खुद से करें ताकि उसको समझ में आए और अच्छे से यूज हो। तो शर्मा जी, इतनी बेहतरीन जानकारी इन पावर बेटर की सीरीज के बारे में और बैक रोटरी के बारे में आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।